गुरु प्यारी साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साध संगत जी ये कहानी है एक दस साल के लड़के की जिसका नाम था प्रवीण प्रवीण बहुत ही चतुर था एक दिन की बात है कि प्रवीण अपने स्कूल से घर जा रहा था तभी प्रवीण की टक्कर उसके पड़ोसी रामलाल से हो जाती है रामलाल के हाथों में ढेर सारी मिठाइयाँ थी टक्कर की वजह से रामलाल की सारी मिठाइयाँ मिट्टी में गिर गई और खराब हो गई इस बात से रामलाल को प्रवीण पर बहुत गुस्सा आया और रामलाल ने प्रवीण से कहा तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है अब इसकी भरपाई तुम्हें ही करनी होगी प्रवीण ने कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं किया तब प्रवीण के पड़ोसी रामलाल ने कहा कि एक तो तुम गलती करते हो ऊपर से अपनी गलती मानते भी नहीं हो पड़ोसी जानता था कि प्रवीण बहुत चतुर है और वो इन सभी चीजों से निकलने की पूरी कोशिश करेगा लेकिन पड़ोसी रामलाल प्रवीण को लेकर उसके घर गया और उसके माता पिता से कहने लगा कि देखिए आपके लड़के ने मुझे धक्का दे दिया और मेरी सारी मिठाइयां गिरा दी प्रवीण के माता पिता ने प्रवीण को बहुत डांटा और कहा कि ये तूने क्या किया प्रवीण ने कहा कि, कि पिताजी ये अंकल झूठ बोल रहे हैं मैं तो देख कर चल रहा था इनकी खुद की गलती की वजह से इनकी मिठाइयाँ गिरी हैं तब पड़ोसी रामलाल ने प्रवीण के पिता से कहा कि अच्छा सारी गलती मेरी है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसकी शिकायत पंचायत से ही करूँगा प्रवीण के माता पिता ने रामलाल से कहा आप छोटी सी बात के लिए पंचायत में क्यों जाएंगे तब रामलाल ने कहा यह छोटी बात नहीं है आपका लड़का प्रवीण आए दिन हमेशा कुछ न कुछ नुकसान करता रहता है अब बहुत हो गया अगले दिन सभी लोग पंचायत में गए रामलाल ने अपनी बात पंचों के सामने रखी पंचों ने कहा हमने भी सुना है कि ये लड़का प्रवीण बहुत शरारत करता है सारे पंच बोले कि ये गलत है तुम्हें रामलाल को मिठाई की भरपाई के पूरे पैसे देने होंगे प्रवीण के माता पिता ने कहा हमें मंजूर है लेकिन रामलाल ने कहा नहीं मुझे इनके पैसे नहीं चाहिए सारे पंच बोलते हैं कि रामलाल फिर तुम क्या चाहते हो ये छोटा सा बच्चा है हम इसे सजा नहीं दे सकते तो रामलाल ने कहा कि मेरी मिठाई के पैसे प्रवीण ही देगा प्रवीण के माता पिता ने कहा कि हमारा प्रवीण कहाँ से देगा वो तो अभी बालक है सारे पंचों ने भी कहा कि हाँ रामलाल ये लड़का अभी बहुत छोटा है तब रामलाल का जवाब था कि मैं प्रवीण को एक काम देता हूँ उसे एक चीज बेचनी होगी सारे पंच पूछते हैं कि क्या तब रामलाल एक रुमाल निकालता है और बोलता है कि ये रुमाल प्रवीण को एक हजार रुपये में बेचना होगा सारे पंचों ने रामलाल से कहा तुम मूर्ख हो क्या पांच रूपये का रुमाल एक हजार रूपये में कौन खरीदेगा ये तो बेचारा एक बच्चा है ये इसे कैसे बेचेगा तब रामलाल कहता है कि अगर इस बच्चे ने ये रुमाल बेच दिया तो मैं इसे एक भी पैसा नहीं लूंगा और इसे माफ भी कर दूंगा सारे पंचों ने बोला ऐसा नहीं हो सकता तभी प्रवीण ने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ऐसा जरूर करूँगा रामलाल बोलता है तुम्हारे पास बस कल तक का समय है कल तक तुम्हें यह रुमाल एक हजार रुपये में बेच देना होगा अगर तुम नहीं बेच पाए तो मैं तुम्हें सजा दूँगा और वो सजा तुम्हें कबूल करनी पड़ेगी प्रवीण ने कहा जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा कल तक मैं ये रुमाल आपको एक हजार रुपये में बेच कर दिखाऊंगा प्रवीण के माता पिता ने प्रवीण से कहा यह तुम कैसी बातें कर रहे हो कोई पांच रुपये का रुमाल एक हजार रुपए में क्यों खरीदेगा रामलाल ने मन ही मन सोचा कि ये लड़का प्रवीण अपने आप को बहुत चलाक समझता है अब इसकी चलाकी सब देखेंगे अगले दिन प्रवीण रुमाल लेकर बहुत सारी दुकानों पर जाता है और बोलता है कि क्या आप ये रुमाल एक हजार रुपये में खरीदेंगे सारे दुकान वाले प्रवीण पर हंसते हैं कि पांच रुपये का रुमाल कोई एक हजार में क्यों खरीदेगा प्रवीण रुमाल बेचते बेचते थक गया अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था दिन खत्म होने वाला था प्रवीण सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं इस रुमाल को मैं कैसे बेचूं? तभी प्रवीण को एक सुनार की दुकान दिखती है सुनार को उसका नौकर चाय देकर आता है और जो चाय वो नौकर लेकर जाता है उस चाय में मक्खी गिर चुकी थी तो सुनार के नौकर ने सुनार से कहा कि मालिक चाय में मक्खी गिर गई है मैं दूसरी चाय लाता हूँ तो सुनार ने नौकर से कहा कि तू चीनी चाय पत्ती दूध पानी इन सभी का नुकसान करेगा वो सुनार मक्खी निकाल कर वो चाय पी लेता है और अपने नौकर से कहता है कि मक्खी के गिरने की वजह से मैं तेरा आधा वेतन काट लूंगा नौकर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है सुनार ने कहा चाय तू ही लेकर आया था प्रवीण ये सब देख रहा था प्रवीण ने सोचा कि क्यों ना यह रुमाल मैं सुनार को बेच दूँ। प्रवीण सुनार के पास जाता है और बोलता है कि सुनार जी आप कितने बुद्धिमान हो मैंने देखा कि आपने कैसे चाय खराब नहीं होने दी तब सुनार ने कहा हमें हर चीज को संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए उसे व्यर्थ ही फेंकना नहीं चाहिए प्रवीण ने कहा कि मेरे पास एक रुमाल है क्या आप उसे खरीदेंगे सुनार ने कहा कैसा रुमाल तब प्रवीण रुमाल को निकालता है और बोलता है कि ये देखिए रुमाल को देखकर सुनार ने कहा ये तो एक आम रुमाल है मैं भला इसे क्यों खरीदू तब प्रवीण ने सुनार को कहा कि आपने इस रुमाल को ध्यान से नहीं देखा ये कोई आम रुमाल नहीं है ये एक चमत्कारी रुमाल है सुनार ने कहा कि तुम मुझे पागल मत बनाओ तब प्रवीण ने कहा कि आप यकीन कीजिए यह एक बहुत ही चमत्कारी रुमाल है प्रवीण ने सुनार से कहा कि मेरे पास ऐसे तीन रुमाल थे एक रुमाल मैंने अपनी नानी के गांव में जाकर बेच दिया और जिस व्यक्ति ने वो रुमाल खरीदा था उसने जैसे ही आंखों पर रुमाल को रखा उसके पूर्वज आए और उसे बता कर गए कि कहाँ कहाँ खजाना रखा है और कहाँ कहाँ उनकी जमीनी है उसके पूर्वज उसको सब बता कर गए और रात ही रात में वो व्यक्ति अमीर हो गया प्रवीण ने सुनार को कहा अगर आपको ये रुमाल नहीं खरीदना तो मैं चलता हूँ सुनार ने सोचा कि क्या पता ये लड़का सच बोल रहा हो खरीद के देख लेता हूँ एक हजार रुपये में क्या जाता है सुनार रुमाल को खरीदने के लिए तैयार हो गया और कहता है कि मैं पहले इसका इस्तेमाल पंचायत में करूंगा ताकि वहां पर साबित हो सके कि यह रुमाल काम करता है या नहीं प्रवीण ने कहा बिल्कुल ठीक प्रवीण सुनार को लेकर पंचायत में जाता है और बोलता है कि मैंने ये रुमाल इन सुनार जी को बेच दिया है सुनार जी ने कहा इसने मुझे कहा है कि एक चमत्कारी रुमाल है इसको चेहरे पर रखते ही मुझे मेरे पूर्वज दिखाई देंगे और मैं ये रुमाल आप सभी लोगों के सामने अपनी आंखों पर रखूंगा अगर मुझे मेरे पूर्वज ना दिखाई दिए तो मैं एक हजार रुपये इससे वापस ले लूंगा पंचायत ने कहा बिल्कुल ठीक तभी प्रवीण बोलता है लेकिन सुनार जी एक बात का ध्यान रखिएगा इस रुमाल को केवल एक ईमानदार और सच्चा इंसान ही चेहरे पर रख सकता है और आपने कभी भी कोई बेईमानी अगर की होगी किसी का अगर आपने कभी दिल दुखाया होगा तो आपको आपके पूर्वज नहीं दिखाई देंगे अब उस गांव में सुनार की बहुत इज्जत थी लेकिन सुनार बेईमान था और वो अपने से कमजोर लोगों पर अत्याचार करता था सुनार ने अपने चेहरे पर रुमाल रखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया सुनार ने फिर से रुमाल रखा लेकिन फिर से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया तब पंचायत ने सुनार को पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे पूर्वज दिखाई दिए सुनार ने सोचा कि अगर मैं कहूंगा नहीं तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं बेईमान हूं तब सुनार ने कहा कि हाँ हाँ मुझे मेरे पूर्वज दिख रहे हैं मुझे मेरे सभी परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे हैं आज तुम्हारी वजह से प्रवीण मुझे मेरे पूर्वज दिखाई दिए सुनार प्रवीण को एक हजार रुपये देता है और वहां से चला जाता है रामलाल बोलता है कि देखा पंच जी ये बेवकूफ बनाया पंचायत ने कहा कि रामलाल वो सुनार छोटे से बच्चे से बेवकूफ बन गया ये उसकी गलती थी तुम्हारी शर्त पूरी हुई अब तो तुम्हें मिठाई की भरपाई नहीं मिलेगी तब रामलाल ने कहा मुझे मंजूर है क्योंकि मेरी शर्त पूरी हुई साध संगत जी एक छोटे से बच्चे की चतुराई की वजह से सुनार की सच्चाई सभी के सामने आ गई पंचायत में सभी को पता था कि ऐसा कोई चमत्कारी रुमाल नहीं होता लेकिन फिर भी सुनार ने झूठ बोला और ऐसा उस सुनार ने केवल अपनी बेईमानी छुपाने के लिए किया था जबकि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ चुकी थी आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार